हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको रियल नंबर से दो टॉपिक्स पर डिस्कस करूँगा। क्लास टेंथ से रिलेटेड है ये रियल नंबर्स। देखिए, पहला टॉपिक आज का हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई नंबर अदर देन वन और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कोई भी एक ऐसा होल नंबर जो कि वन और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कोई भी एक ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड हो और इटसेल्फ, लिखा है ना, बाय इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड हो, इन दोनों से तो डिवाइड हो लेकिन इन दोनों को छोड़कर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, 9। 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एज वेल एज 1 और 9। 9 जो नंबर है 1 से डिवाइड होता है बाय इटसेल्फ, 9 अपने आप से खुद से भी डिवाइड हो रहा है लेकिन 1 और 9 को छोड़कर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 9 इज अ कंपोजिट नंबर। यही डेफिनेशन कहती है कि वो नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल लीजिए, 5। 5 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। व्हाई? क्योंकि 5 1 से होता है बाय इटसेल्फ, अपने आप से होता है लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 5 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 5 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। क्लियर? चलिए दूसरा टॉपिक देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में समझने के लिए कंपोजिट नंबर समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने पहले ही समझाया। अब देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इस थ्योरम को मैं आपको एक एक वर्ड हिंदी में बताऊंगा, समझिए। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, अब देखिए कंपोजिट नंबर आपको ऊपर समझ में आ गया होगा कौन सा नंबर, किसकी मैं बात कर रहा हूं। एवरी कंपोजिट नंबर, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म, और प्राइम नंबर्स यू नो वेरी वेल, प्राइम नंबर्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और जो फैक्टराइजेशन आप करेंगे वो यूनिक होगा, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब एक नंबर के लिए जो आपने फैक्टराइज किया उसका एक ही नंबर होगा, ये नहीं है कि आप किसी भी दो नंबर के लिए उस फैक्टराइज को लिख सकते हैं। ठीक, वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इससे कोई मतलब नहीं है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर कि वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, कौन? प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम फैक्टर्स आपने लिखे हैं उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है कि आपने पहले 2 लिखा है फिर 5 लिखा है, पहले 5 लिखा है या 2 लिखा है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? मैं एक बार और पूरा एक बार बता देता हूं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो। ऑर्डर किनका? प्राइम फैक्टर्स का। पहले 2 लिखिए या 5 लिखिए, या पहले 5 लिखिए बाद में 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 2 और 3 दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स है। मैंने बीच में क्रॉस का जो है साइन लगाया, इसका मतलब ये क्या? प्रोडक्ट हो गया। यानी कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को, 6 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है और 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यही डेफिनेशन थी। तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसे मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब 2 × 3 6 होता है। अब क्या किसी और नंबर को भी मैं 2 × 3 लिख सकता हूं 6 को छोड़ के? नहीं, आप 6 के अलावा कोई भी नंबर ले लीजिए, क्या मैं उसे 2 × 3 लिख पाऊंगा? नहीं, सिर्फ ये 6 ही आएगा 2 × 3। यानी कि हो गया फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो भी आप फैक्टराइजेशन लेते हैं वो यूनिक होता है, वो एक ही नंबर के लिए हो सकता है, दो नंबर के लिए नहीं हो सकता। ठीक, तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं 6 को 2 × 3 भी लिख सकता हूं और 6 को 3 × 2 भी लिख सकता हूं, ऑर्डर कुछ भी हो, 2 पहले लिखो 3 बाद में या 3 पहले लिखो 2 बाद में, एक ही बात है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है, अभी भी फैक्टराइजेशन यूनिक है और मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं।
ठीक, इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक और एग्जांपल 50, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, 50 मल्टीप्लाई करके आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, फैक्टराइजेशन यूनिक है, यूनिक क्यों है, क्योंकि 2 इंटू 5 इंटू 5 करके हमेशा 50 आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 50 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 5, पहले मैंने 5 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, अभी भी तो 50 आएगा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। फिर मैं 50 को और क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 2, अभी भी तो 50 आएगा। कहने का मतलब यह है किसी भी हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? तो ये आज मैंने आपको रियल नंबर से दो टॉपिक समझाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।